हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है और आप सभी के स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का वक्त, आप सभी को सुबह का प्यार हुआ गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। सुबह सुबह ज्योति बैठ गई है अपना काम में, कपड़ा धो रही है और हम भी नहा धोवा के चल रहे हैं अभी पूजा पाठ करने। पूजा पाठ करके उसके बाद दुकान नाश्ता पानी करके दुकान लेके जाएंगे। ज्योति भी कपड़ा वपड़ा धो के नाश्ता रेडी करेगी, बाबू अभी सो रही है। चलिए हम लोग अभी ना ज्योति क्या किया ना, पूजा घर में थोड़ा चेंजेस किए गाइज। यहाँ पे जो था ना छोटा सा मंदिर, उसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे ले आके शिफ्ट कर दिए। ये देखिए, अब दोनों पूजा स्थान जो था वो दो जगह नहीं, एक ही जगह हो गया। अब यहीं पे इनका ही पूजा होगा और इनका ही पूजा होगा, मतलब एक ही जगह बैठ के आराम से अब पूजा होगा। नहीं तो क्या होता था ना, यहाँ पूजा करने के बाद वहाँ पे जाके पूजा करना पड़ता था, एक ही रूम में दो दो जगह मंदिर हो गया था। चलिए अभी सारा पूजा का बर्तन धो के पानी वानी ले आके रख दिए हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। अभी हम भी नहा धोवा के आ गए हैं, बाकी बाबू को यहाँ लेके दे दिए हैं। चावल बचा था रात का तो उसको फ्राई कर दिए हैं, फ्राई करके दे दिए हैं। अभी खाना बना रहे हैं, अभी परी पापा गए हैं अपने दुकान का काम करने। परी रुमाल कैसे गिरा है। खाने में बना रहे हैं रोटी और करेले का भुजिया, क्योंकि रात में हम लोग चावल खाए थे इसीलिए अभी बना रहे हैं। नाश्ते मतलब नाश्ते में ही चावल है तो उसको फ्राई करके देखिए यहाँ पर रखे तो ये हो जाएगा और रोटी हो जाएगा, भुजिया हो जाएगा। और दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 9:30, दिखे अभी नहीं आपको। और यहाँ हमारी परी और हम दोनों यहाँ बैठ के परी के पापा का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत 10 बजे तक डेली आते हैं दोस्तों, और लाइट हमारे यहाँ तो रह नहीं रहा है, इस वजह से आपका आप लोगों को वीडियो भी नहीं जा रहा है हमारे, क्या ना बाबू। और ना दोस्तों, ये देखिए गाड़ी का बत्ती जलाए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे घर परसों ना सांप निकला था मॉर्निंग पर, गाड़ी पे ही इधर आ रहा था, लेकिन परी पापा यहीं पे बैठे थे तो देख लिए। और उस दिन भी ये जल रहा था गाड़ी का फ्लैश, नहीं तो नहीं दिखता, लाइट कटा था। और अभी देखते हैं कब तक आते हैं, बारिश इतना तेज़ हो रहा है ना दोस्तों, क्योंकि हम लोग डर से नहीं जा रहे हैं दोस्तों, डर से ना दुआरी पे ही बैठ के हम दोनों माँ बेटी उनका इंतजार कर रहे हैं और देख भी रहे हैं लोग कोई कीड़ा ना आ जाए घर में। मम्मी का बाबू, अगर सांप फिर से आ गए तो क्या करेंगे लोगों? कुछ नहीं, पापा जाएंगे भगा देंगे। मुँह में से ना उंगली निकालो, नाखून नहीं काटते हैं, गंदी बात होती है ना, टीचर बहुत मारेंगे। बोल दो कि मेरा आज तबीयत खराब है। हाँ, मेरा तो बच्चा का भी तबीयत खराब है और मेरा भी तबीयत खराब है, अभी ठीक है, हम लोग दोनों दवा खाए हैं लोग तो। हाँ, मैं भी ठीक अभी। बाप रे, जल्दी नहीं ठीक हुआ है तो बोलिए। सर्दी तो थोड़ा सा ना ठीक हुआ है, अभी थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो खत्म, बुखार तो खत्म ही है आपका। बुखार का दवाई तो है, खा लीजिए जाती है। और देखिए कब तक आते हैं, माया भी लगेगा क्योंकि बाइक ना दोस्तों यहीं पर छोड़ के गए हैं, साइकिल से जाते हैं डेली, तो कब तक आते हैं। और इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया है दोस्तों को हम क्या बताएं, और हम लोगों को खुद ही पता नहीं है कि कैसे इतना बड़ा नुकसान। परी तुम वहीं पर रहो, तुम वहीं पर बैठो, कैसे हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है दिखाते हैं आप लोगों से। ये देखिए दोस्तों, कि पता नहीं 2-3 दिन साइकिल खराब था ना हमारा, वो तो परी के पापा ना दोस्तों बाइक ही लेके जा रहे थे, क्योंकि बारिश भी हो रहा था, बारिश में भी दुकान लगा रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों को पता ही है कि हमारी परी का बर्थडे आ रहा है और हमारे पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है, क्योंकि जो था वो हमने सारा गाड़ी का EMI भर दिया, रूम भाड़ा दे दिया, जो जो काम था वो कर दिए हैं, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, इस वजह से परी के पापा बारिश में भी, जबकि हमारे इधर ना दोस्तों लगभग 1 हफ्ते से बारिश डेली का डेली सुबह शाम हो रहा है, फिर भी जा रहे हैं बेचारा, तो वही दुकान पे लगा देते हैं दोस्तों, और लगा के वहाँ से ठेला लेके चले जाते हैं। पता नहीं कौन क्या किए, कोई मारा है कि गिरा दिया है, क्या हुआ है गाड़ी ना। आज सुबह गाड़ी बहुत गंदा हो गया था, वो पाँक पड़ गया था ना, तो धोए परी पापा तब देखे, हम इतना रो रहे थे गाड़ी के, वो चूक कराएगी, वो चूक हो जाए।
किसी किसी का कार टूट जाता है, टूट जाता है तो क्या दोस्त, अभी एक महीना का हुआ है गाड़ी, यहाँ देखिए दोस्तों गिरा है तो कोई ना कोई तो गिराया है वहाँ से, इसी वजह से तभी हम लोग कितना। अब आए हैं दोस्तों, रुक जा ना टूट जा दुअरिया पर, इंतजार सोचे तो नहीं कि छूट जाता है कि लेटे हो गईला, दस बजे तक क्या भेज गए हैं, इनके पास मोबाइल भी नहीं ना है दोस्तों, टेंशन में हो जाते हैं ना, इनमें बारिश में बहुत तेज बारिश हुआ, बिजली गिरे गए, बंद कर गेट बंद कर, ठीक से जाए, आटा लाए हैं वहां से। ए पापा हां बेटा, आज तो आप ए गाड़ी तो से हटा हटा गाड़ी तो से, आज तो आप बोला बारिश में मोबाइल नहीं है दोस्तों, तो टेंशन रहता है, मोबाइल रहता तो पूछ लेते लोग, अभी लखन के पास फोन कर रही वाला रहने है। तो गाइस अभी चल रहा है हमारे यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन पार्टी, ज्यादा जोर से बोल दिए, खा लो बेटा, और रोज की तरह दोस्तों आज गुलाब जामुन लेके आए थे, रोज की तरह मतलब रोज कुछ ना कुछ लेके आते हैं, डिफरेंट है, आज सोच रहे थे कि बारिश हुआ है क्या ले जाए, आज कोल्ड ड्रिंक लाने का मन था ज्योति, लेकिन सोचे कि बाबू को सर्दी हुआ है, सर्दी जुखाम है, ज्योति भी बुखार उखार लगा था ज्योति को भी, और हम भी बारिश में भीग गए थे, तो इसीलिए सोचे कि चलो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते हैं, पीने से तबीयत खराब हो जाएगा। अभी ना दोस्तों ये रो रही है, सुबह सुबह बाबू को स्कूल छोड़ दिए, ये भी नाश्ता पानी कर और के अभी आए, हम गए थे मंडी सामान लेना था, तो सामान मत ले आके घर पे आए, कुछ खाने के लिए नहीं लेके आए थे, उसी के लिए रो रही, तो अभी हम जाके ऐसा चीज लेके आए हैं, ज्योति देखेगी तो खुश हो जाएगी। अरे पगलू देखो तो, देखो तो ये को बाबू आई तो ओकर खाते, यही देखो ना, ये कोई दिनों ज्योति बोल रही है, और से आई बन कब पहली बार मिला मैं बनू है, एक सरकारी स्कूल में जब जाती थी पढ़ने ना, तो उसी में बैग में करके ले जाती थी, धीरे से उसमें चुरा चुरा के खाती थी, अभी हमको दिखा तो हम सोचे कि चलो रो रही हो खुश हो जाओगी देख के, एक तो खा लेना एक तो परी के लिए रख देना, ये हम अपने लिए लेके आए हैं बादाम पकौड़ी, तो बारा में अभी में अंतर नहीं खे, आज से 7-8 साल पहले अभी के डेट में महंगाई नहीं को देखा, स्वाद में भी तनी अंतर, थोड़ा सा अंतर, लेकिन तब 6 साल बाद इतना हाँ तो लिखा नहीं है जीरा पकौड़ी, हमने के नमकीन लिखा रखा है, नमकीन नहीं क्या लिखा पकौड़ी लिखा है,
चलिए ज्योति के पकौड़ी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आशा करते हैं कि हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पाँच रुपये की पकौड़ी इतना सस्ता मतलब सामान से मान लीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धोखा धोखा मतलब धोखा, ये देखिए 5 रुपए का।